स्टूडेंट्स, हम यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे, कुछ और इक्वेशंस भी यहाँ पे देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं, जिनके हम क्या करेंगे, जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स देखेंगे. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से हमने निकाला था, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन यूज किया था, जिसमें हमने क्या किया था, उसको भी हमने किस चीज से डिराइव किया था, हमने रिवर्सिबल इक्वेशन से. एक हमने हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल इक्वेशन, एक सपोज रिवर्सिबल इक्वेशन ले ली थी. ठीक है, इस तरह से, जिसमें हमने कहा था कि ए मोल्स ऑफ ए प्लस रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी, और रिवर्सिबल रिएक्शन में हम देखते हैं सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी आते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कि ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करेगा, ठीक है, और हम देखते हैं कि बैकवर्ड भी जा सकता है ये. तो हम ये देखते हैं कि इसके लिए हमने क्या किया, जो हम इसके लिए जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, वो हम किस तरह से निकालते हैं, के और उसके सबस्क्रिप्ट में हम ई क्यू लिखते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, और ये के जो है वो कांस्टेंट है, कैपिटल के लिखते हैं, और ये हमारे पास जो इस तरह से आ जाते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ सी, और हम देखते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डी मोल्स इसके, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे हम प्रोडक्ट लेते हैं किनका, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगी कंसेंट्रेशन का, रेज टू देयर पावर्स, ठीक है, ऑफ देयर मोल्स. ठीक है, इस तरह से ही हमारे पास आ जाता है. अच्छा, इसके आगे हम देखते हैं, ये तो हमने रिवाइज कर लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम किस तरह से निकालते हैं. अब यहाँ पे यूनिट्स हम देख लेते हैं. यूनिट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ इक्वेशंस लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक इक्वेशन हम इस तरह से देख लेते हैं कि हमारे पास होती है कि हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके NO2, और यहाँ पे हम देखते हैं कि रिवर्सिबल इक्वेशन के साथ क्या बनाती है, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N2O4, ठीक है, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड आ जाता है. तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल इक्वेशन है. अब हम क्या करेंगे, यही वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि वैल्यूज प्लेस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम कंसंट्रेशन ऑफ किसकी लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर N2O ही जस्ट हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, N2O4 है ना हमारे पास प्रोडक्ट, तो हम इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेस आ गई है, इसको हम स्पेस यहाँ पर नहीं आने देंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा क्लोज करके लिख लेंगे. ऐसे हमने लिख लिया. ठीक है, अब यहाँ पर इसके पार क्या है, इसके मोल्स कितने हैं, 1 है, तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो वो भी खैर है. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे डिवाइड. किससे डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे क्या चीज, जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, यहाँ पे आगे N2O ये हमने लिखा, और हम देखते हैं कि इसके मोल्स कितने हैं, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर. ठीक है, ये इस तरह स्क्वायर आ गया, और हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली आ जाती है केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट है, ये वो हमारे पास आ जाता है. ठीक है, कांस्टेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं. ठीक है, अब ऐसे करते हैं, हमें इसके यूनिट्स देखने हैं, तो कंसंट्रेशन के यूनिट्स लगाएंगे. यहाँ पे कंसंट्रेशन के यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल्स पर लीटर या पर डीएम क्यूब. ठीक है, डेसीमीटर क्यूब भी जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास लीटर्स को ही कहते हैं, तो ये हमने लिखा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, दूसरे के मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब लेंगे. यहाँ पर नीचे हम लेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, जो कि दूसरे के भी यही होंगे कंसंट्रेशन के यूनिट्स, लेकिन ये स्क्वायर हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर करने से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या यूनिट्स आ जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे ऊपर भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है और नीचे 2 दफा है, तो इनमें से एक से हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/mol पर डेसीमीटर क्यूब कुछ इस तरह से बन जाएगा. यहाँ पर हम लिख देते हैं. ठीक है, किस तरह से लिखेंगे, हम इधर लिखते हैं इज इक्वल टू का साइन डाला, और हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा इस तरह से 1/mol पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल का इन्वर्स बन जाएगा. ठीक है, यानी इसके ऊपर -1 के पार आ जाएगी, और हम देखते हैं डेसीमीटर क्यूब की पार है वो चेंज हो जाएगी, वो +3 में आ जाएगी. ठीक है, यानी कि इसको हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ इज इक्वल टू साइन डाल के लिखेंगे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन गया है डेसीमीटर क्यूब पर मोल. ठीक है, डेसीमीटर क्यूब पर मोल भी हम कह सकते हैं, या पर मोल इंटू डेसीमीटर क्यूब ये भी कह सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिट्स आ गए हैं किस चीज के, ये हमारे पास यूनिट्स आ गए हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के इस इक्वेशन के लिए. ठीक है, जो कि इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन थी. एक और इक्वेशन देख लेते हैं, यहाँ पे हम एक और इक्वेशन देखेंगे. यहाँ पर ले आते हैं, और इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी. यहाँ पे इक्वेशन आएगी
सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और उसने किससे रिएक्ट किया, उसने रिएक्ट किया यहाँ पे ऑक्सीजन गैस से, ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन के नतीजे में, एक रिवर्सिबल इक्वेशन के नतीजे में हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, हम देखते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस आ जाती है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक गैस दूसरी गैस से रिएक्ट करके एक हमारे पास प्रोडक्ट में एक गैस दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास फोर ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे जस्ट थ्री है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर टू लगा देते हैं, ठीक है, थ्री इंटू टू सिक्स हो गए। अब यहाँ पर भी टू लगाएंगे तो टू इंटू टू फोर प्लस टू सिक्स, यहाँ पर सिक्स ऑक्सीजन, टू सल्फर, यहाँ पर भी टू सल्फर, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसके लिए अभी हम लिखेंगे क्या चीज, यहाँ पर हम इसकी केमिकल, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कि हम डोनेट जो सॉरी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लिए सिंबल आ गया, और हम आगे देखते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंसेंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊपर जो ऊपर न्यूमिरेटर में हमारे पास आती है वो किसकी आती है, प्रोडक्ट की आती है, ठीक है। कंसेंट्रेशन आई रेस टू द पावर उसके जो मोल्स होते हैं एक बैलेंस्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन में इसके मोल्स कितने हैं, टू, ठीक है, तो ये स्क्वायर आ गया। फिर हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, ठीक है, ये डिवाइड का साइन आ गया, और नीचे हम देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ठीक है, इसके यहाँ पे हमारे पास कंसेंट्रेशन आ गई, और हम देखते हैं साथ में टू इसके मोल्स हैं, तो इसकी जो पावर आएगी यहाँ कंसेंट्रेशन की पावर ये आ जाएगी टू, ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट आएगा अगर यहाँ पर एक और रिएक्टेंट मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है, ठीक है, तो वो क्या है, ऑक्सीजन O2, तो हम O2 की कंसेंट्रेशन भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। और हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके जो मोल्स हैं वो वन है, तो यहाँ पे वन हम नहीं लगाएंगे तब भी इट्स ऑल राइट, ठीक है। फिर हम यहाँ पर अब देख लेते हैं क्या चीज, इनके यहाँ पर हम यूनिट्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, हमें पता है कि कंसेंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आ गए, और साथ में इसका एक्चुअली स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, इस तरह से। फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, नीचे सल्फर डाइऑक्साइड के हमारे पास मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएंगे, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्क्वायर, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन स्क्वायर, किस वजह से, यहाँ स्क्वायर था इस वजह से। फिर ऑक्सीजन के लिखेंगे तो ये भी हमारे पास मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास कंसेंट्रेशन के यूनिट्स ही क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखे, ये इस तरह से लिखती है। अब देखिए कैंसिलेशन कुछ हो रही है, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो सकता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली एक जैसी टर्म्स है। तो यहाँ पर हम यूनिट देख लेते हैं, ठीक है, जिस तरह ऊपर हमने देखे थे, अब हमारे पास यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से कुछ आ रहा है कि वन ओवर यहाँ पे क्या आ रहा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल का जो है वो इनवर्स बन जाएगा, और डेसीमीटर क्यूब जो है वो पर डेसीमीटर क्यूब था, तो अब वो क्या हो जाएगा, उसका साइन -3 से +3 हो जाएगा, इसके जो पार है, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर से ऊपर जा रही है, तो पार जो है वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव चली हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, तो नेगेटिव थी डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में जाके वो पॉजिटिव हो गई। और हम देखते हैं जो फाइनली हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स हैं, वो क्या आ जाते हैं, हमारे पास आ गए, हम चाहे तो ऐसे भी इसको लिखा रहने दे सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो इनको इस तरह लिख देते हैं कि पॉजिटिव वन फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉजिटिव वन लिखे यानी कि डेसीमीटर क्यूब, और साथ में हमारे पास आ गए मोल इनवर्स, ठीक है, लीटर इंटू मोल इनवर्स भी कह सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो इक्वेशंस देखी, एक हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड की, हमने देखा कि वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और इसके हमने यूनिट्स देखे इस इक्वेशन के, इसको बैलेंस किया इसकी इक्वेशन, इसकी हमने कॉन्स्टेंट, इसके इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के यूनिट्स देखे। दूसरी हमने देखी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड में कन्वर्ट हुई है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, और इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के हमने क्या देखे, यूनिट्स देखे। तो यहाँ पे हमने मजीद बात की थी यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की।